हेलो गाइस, तो फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्स वाई जेड वीडियो बुकिस में। तो जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के लिए आवेदन कैसे करेंगे, यानी कि जो गांव की आबादी ज़मीन होती है उस पर भू स्वामी अधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। ठीक है, तो मान के चलो हम बता दें कि जो आपने देखी होगी आबादी ज़मीन, यानी सरकारी ज़मीन जिसमें कोई नहीं रहता, जिसकी कोई ज़मीन नहीं होती है, तो वो जैसे गांव में पड़ी होती है आबादी ज़मीन, तो उसमें मतलब कि आवेदन करेंगे तो आपको रहने के लिए, मकान बनाने के लिए आपको ज़मीन दी जाएगी सरकार की तरफ से। तो आवेदन करने की वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी कि जो ज़मीन रहती है आबादी ज़मीन, जो सरकार की ज़मीन रहती है, अगर इसके माध्यम से आवेदन करेंगे तो आपको ज़मीन दी जाएगी रहने के लिए सरकार की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे आवेदन कैसे करना है, मकान बनाने के लिए ज़मीन दी जाती है तो इस तरह से आवेदन करने के लिए, तो यहाँ पे सर्च करेंगे RCMS। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे RCMS। इस तरह से हमारे सामने दिखाई देगा नया क्या है RCMS, तो हम इस वेबसाइट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने इस तरह से आ जाएगा मध्य प्रदेश रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमारे सामने इस तरह से दिखाई देगा, इस वेबसाइट को इस तरह से स्क्रॉल करके देख ले रहा है, इस तरह से हमारे सामने दिखाई देगी। ठीक है, अब यहाँ पर दिख रहा होगा आवेदन, तो हम आवेदन के ऑप्शन पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने बहुत सारे जो हैं आवेदन किए जा रहे हैं वो दिखाई देंगे। ठीक है, तो हम उसके क्या करेंगे, वो नीचे इसको करते हुए जाएंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, इसके ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के दिशा निर्देश, यहाँ पे आवंटन के लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे और पात्रता दिए जाए दिखाई देगी और प्रक्रिया, तो आवेदन कैसे करना, दिशा निर्देश दिए जाते हैं और कौन कौन इसके लिए पात्र है वो दिखाई देगा, पढ़ लेना आप कुछ तरह से, और प्रक्रिया क्या है वो यहाँ पे प्रक्रिया ही बताई गई है। ठीक है, इस तरह से आपको देख लेना है, समझ लेना। अब आगे चल के बताएंगे कि किस तरह से आवेदन करना, कौन कौन पात्र है। तो यहाँ पे आवेदन को ऑप्शन दिखा देगा और आवेदन सर्च करेगी भी ऑप्शन दिखा देगा, हम क्या करेंगे आवेदन करेंगे। ठीक है, तो आवेदन करेगी ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने इस तरह से जो आवेदन के लिए फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं प्रारूप के, तो गाँव की आबादी भूमि पर भू स्वामी अधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदन, इस तरह से हमारे सामने दिखाई देगा। ठीक है, तो इसके लिए आवेदन ज़्यादातर वही लोग करें जिनके पास रहने के लिए और मकान बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, तो जिनके लिए जिनके पास मकान नहीं है और जिनको मकान बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, तो ज़्यादातर वही लोग आवेदन करें जिससे उनको सरकार के माध्यम से लाभ है जो मिल सके, और व्यक्ति अपना मकान बना सके और ज़मीन मिल सके जिसकी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ध्यान रख लेना है, और उनकी जो दिशा निर्देश दिए गए हैं आवेदन करने की, वो दिशा निर्देश आपको पढ़ लेने हैं और देख लेने हैं। ठीक है, दिशा निर्देश जरूरी है देखने, और जो भी पात्रता दी गई है वो पात्रता आपको पढ़ लेना है, यह महत्वपूर्ण है और आपको यह जानकारी कर लेनी है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस तरह से आपके आ जाना है आप प्रारूप के ग्राम की आबादी भूमि पर भू स्वामी अधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदन, यहाँ पर आप देख सकते हैं आबादी भूमि पर भू स्वामी अधिकार प्राप्त करने हेतु। ठीक है, स्थल तो यहाँ पे जिला सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे तहसील सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे पटवारी हलका यानी कि ग्राम, और यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे गांव का नाम सेलेक्ट करेंगे, फिर से यहाँ पे आवेदन जिसका आवेदन कर रहे हैं उसका आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पे समागाड़ी डालेंगे, जैसे हम समागाड़ी डालेंगे तो आधार नंबर, तो यहाँ पर आधार के अनुसार व्यक्ति का नाम आ जाएगा, यहाँ पर पति पत्नी का नाम आ जाएगा, पत्नी कर रहे हैं तो पति का आएगा, अगर पति का कर रहे हैं तो पिता का आएगा। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे आवेदक की जन्मतिथि आ जाएगी, यहाँ पे मेल फीमेल जो भी है वो आ जाएगा, जेंडर, यहाँ पे जाति ऑटोमोटक आ जाएगी, नहीं तो भर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको ध्यान रखना जरूरी है डालना, मोबाइल नंबर डाल लेना, ईमेल आईडी डाल सकते हैं डाल सकते हैं। ठीक है, डाल देना, नहीं है तो नहीं की बात। यहाँ पे वर्तमान स्थल डाल देना, आधार के अनुसार जो आधार में पता है वो डाल देना। ठीक है, अब नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे, यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्या जीवित पति पत्नी है या नहीं, तो इस तरह से आपको, ठीक है, इस तरह से आपको जीवित पति पत्नी है तो इस तरह से आपको, तो इस तरह से आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। और यहाँ पे आवेदक से संबंध, आवेदक से क्या संबंध है, पत्नी का पति का, जिसकी पत्नी का कर रहे हैं तो यहाँ पे आप संबंध बताएंगे, अगर पति का कर रहे हैं पत्नी का कर रहे हैं तो यहाँ पे पति सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे जीवित करेंगे, यस कर देंगे, और यहाँ पे आवेदक से संबंध क्या है पति पत्नी का, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। जैसे हम पति पति का भर रहे हैं तो यहाँ पे पति से पत्नी सेलेक्ट करेंगे, आधार नंबर डालेंगे, समागाड़ी डालेंगे, जैसे डालेंगे तो यहाँ पे नाम और जन्मतिथि ऑटोमोटक आ जाएगी, मोबाइल नंबर है तो डाल सकते हैं, छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आवेदक का विवाह विच्छेद हुआ है या नहीं, विवाह में अगर विच्छेद हुआ है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे नो कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे
यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपने आपने आपके परिवार में कोई लाड़ली लक्ष्मी है, ठीक है, जिसका मतलब कि जिस तरह से यस कर देना, नहीं तो नो कर देना, यानी कि जो लाडली लक्ष्मी का जो फॉर्म है वो भरा है और उसको लाभ यानी कि कार्ड बन चुका है, तो इस तरह से यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे, वहाँ पे आपको पेपर भर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे आपको इस तरह से आपको जो पुत्री है उसका आवेदक आवेदक से संबंध क्या है, इस तरह से वो डालेंगे, यहाँ पे समगाड़ी डालेंगे और यहाँ पे क्या संबंध है आवेदक से उनका, यहाँ से पुत्री है पुत्र है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आधार नंबर, इस तरह से आधार नंबर डालेंगे और जोड़े के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जुड़ जाएगा, और बहुत सारे जोड़ देना है जो भी आपके हैं जोड़ देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्क्रॉल करते नीचे आ जाना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो जानकारी भरी वो आ जाएगी। यहाँ पे दिख रहा होगा क्या आवेदक के परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवासीय भूखंड है, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको नो कर देना है और अपने हिसाब से भर लेना है, ठीक है। क्या आवेदक आप क्या आवेदक परिवार के पास 1 एकड़ 5 एकड़ से अधिक भूमि है, तो यस नो कर देना है, ठीक है। यहाँ पे भी नो करना है। क्या आवेदक परिवार जैसे कि राशन पर्ची होती है, क्या पर्चे धारित है, तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। राशन कार्ड मिलता है तो जो वो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। राशन पर्ची है तो यहाँ पे आय का दाता है, यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में है, तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 जनवरी 2021 की मतदाता सूची में नाम दर्ज है, तो यस कर देंगे। यहाँ पे कोई अन्य विवरण डालना चाहते तो डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे टिक कर देंगे, मैं शपथ लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे दिनांक आ जाएगा, स्थान आ जाएगा, और यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, स्थान वहीं भरना जहाँ से आप आवेदन कर रहे हैं, तो हमारी जानकारी आ जाएगी। यहाँ पे एडिट के लिए बोला जाएगा, एडिट कर सकते हैं, और नहीं तो सबमिट करना सबमिट कर देना। इस तरह से हम सबमिट कर देंगे तो हमारा आवेदन क्रमांक नंबर आ जाएगा और इस तरह से आवेदन सफल हो जाएगा। यहाँ पे आवेदन क्रमांक नंबर लिख सकते हैं, इस तरह से प्रिंट करके रख लेना है और ग्राहक को दे सकते हैं। ग्राहक अगर कोई CSC शर्मा सेंटर है तो देख सकते हैं, नहीं तो आप खुद का करिए तो खुद से प्रिंट करके रख सकते हैं, ठीक है।